मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फादर इग्निशियस डिसोजा के नेतृत्व में हुआ प्रवासियों को भोजन व कपड़े का वितरण। आपको बताते चलें, जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों को बस द्वारा बुलाना शुरू कर दिया है। प्रवासियों के हालत देखते हुए बिशप इग्नेशियस डिसोजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने टोल प्लाजा पर प्रवासियों कपड़े, चप्पल, फल, बिस्किट, पानी तथा भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान फादर भरत, फादर साजी, सौरभ मल्होत्रा, विशाल मल्होत्रा, अमित भारद्वाज, जीतू देवनानी, हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अनुज प्रताप सिंह बंटी, भरत कपूर, रचित अग्रवाल, मुदित स्वरूप, सरदार हरमेश सिंह लोगों के साथ बिशप की सेंटर व नन भी मौजूद रहीं। लोगों ने प्रेम पूर्वक सेवा में सहयोग किया। इस मौके पर राज जागरण युवा संगठन व हिंदू युवा वाहिनी, पंजाबी महासभा आदि संस्थाएं का सहयोग रहा और कहा, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक हमारी सेवा चलती रहेगी। मैं बिशप इग्निशियस डिसूजा, यहाँ पर हम लोग सभी धर्मावलंबी साथ में आकर हमारे जितने सारे मजदूर लोग, माइग्रेंट्स जो अलग अलग जगह से अपने अपने घर लौट रहे हैं, मैं सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कम से कम उनको बस की सुविधा उन्होंने इंतज़ाम की है, पहले पैदल जा रहे थे, तो ये सब देखकर हम लोगों ने सोचा कम से कम इस जनता की आवश्यकताओं को हम पूरी करें, तो इसलिए थोड़ा बहुत पानी, खाना, कपड़े, सैंडल्स, ये सब अभी हम सभी मिलकर बांट रहे हैं। एक हम लोगों के लिए खुशी की बात भी है कि जो मुसीबत में, संकट में जनता पड़ी है, उनका साथ देना, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का दायित्व भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। क्या नाम है? विशाल मल्होत्रा। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं जो प्रवासी मजदूर थे, जो भूखे प्यासे अपने शहरों को जा रहे थे, बड़े बड़े दूर से आ रहे थे, अपने गंतव्य को जा रहे हैं, उसके लिए आज हमारे बिशप इग्निशियस डिसूजा यहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि हम लोग भी सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पे सेवा किया। साथ ही साथ हमारी मातृशक्ति, आप देख रहे हैं, घरों से महिलाएं भी टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे देख के अपने आप को ढीरोक पाई और आज यहाँ सड़कों पे हैं सिर्फ उन प्रवासी मजदूरों की सेवा करने के लिए। जो संकल्प लिया है, कोई भूखा ना सोए, और बरेली से जो भी प्रवासी मजदूर जाए, कोई भूखा या प्यासा ना जाए, इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग मिलकर बरेली शहरवासी अपना एक सौहार्द बनाते हुए बिना किसी भेदभाव के मजदूरों को मदद करने आए हुए। अमित भारद्वाज, हम लोग राष्ट्र जागरण युवा संगठन से हैं, और हमारे राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने संकल्प लिया था, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग सेवा करेंगे, तब से निरंतर हमारी सेवा जारी है। और आज जब हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी दूर से प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन सरकार की सही नीतियों से अब वो लोग पैदल चलकर नहीं जा रहे हैं, गाड़ियों में भरकर जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ टोल प्लाजा पर उनको सेवा करने के लिए एकत्र हुए हैं। उनको जरूरत की सभी चीज़ें, चाहे वो वस्त्र हों, चाहे चप्पल हों, पानी, फल, बिस्किट, भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। अब ये चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ है, हम प्रयास यही करेंगे कि लॉकडाउन जब तक है हम लोग सेवा करते रहें, बाकी जैसी हरी इच्छा वो हर इच्छा। नेहा साहनी, पंजाबी महासभा युवा महिला इकाई। आज आप लोग यहाँ टोल प्लाजा पर क्यों आए? हम लोग आज टोल प्लाजा पर इसलिए आए हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो यहाँ से इतनी दूर से आ रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से, पंजाबी महासभा महिला इकाई की तरफ से, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। खाने में खाना का सामान लाए हैं, आलू पूड़ी और केले के प्रसाद है, केला है, पानी है, जल की व्यवस्था है, ये सब चीज़ हम आगे भी करना चाहेंगे और आगे भी करेंगे। अनुज प्रताप सिंह बंटी, जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, और आज हम सभी लोगों के सहयोग और प्रयास से आज हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ ये राहत सामग्री बांट रहे हैं। ज़रूरतमंदों को पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट्स, चप्पल्स, कपड़े और जो भी व्यवस्था है फल फ्रूट्स की, वो सब वितरित कर रहे हैं सब लोगों के संयुक्त प्रयास से। कुछ लोग हमारे साथ मिशनरीज के हैं, कुछ लोग व्यापार मंडल से हैं, विशाल भाई हैं और सब लोग हैं। तो आज ये सुबह हम लोगों ने प्लान किया कि आज वहाँ जाकर ये सब चीज़ें करेंगे, जिससे कि जो बेचारे प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको भोजन और ये सब चीज़ें मुहैया हो जाए। क्या नाम है आपका? शुभम सक्सेना मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के दायित्व से और यूथ पावर के
संगठन के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ आज लॉकडाउन 4 के शुरुआत में दुमका चौराहे पर पानी का वितरण कर रहा हूँ और केलों का वितरण कर रहा हूँ। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन 4 का अच्छे से पालन करें, अपने आसपास ऐसी कोई भी गतिविधि देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।